अस्पतालों में डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की मरीजों और घायलों के प्रति संवेदनाएं अब खत्म होती जा रही है। कोरोना महामारी काल में ज्यादातर अस्पतालों और खास तौर पर प्राइवेट अस्पतालों में मरीजों को लूटने की ऐसी होड़ लगी है कि अस्पताल के सामने सड़क पर घायल हुए व्यक्ति को प्राथमिक उपचार देने में भी लापरवाही बरती जा रही है। ताजा मामला मेरठ के वेस्टर्न कचहरी रोड का, जहां एक व्यक्ति यशलोक अस्पताल के सामने मोटरसाइकिल से गिरकर गंभीर रूप से घायल अवस्था में तड़पता रहा, लेकिन अस्पताल के स्टाफ ने देखने के बावजूद इस घायल व्यक्ति की कोई परवाह नहीं की। सड़क पर चलते राहगीरों और स्थानीय लोगों ने खून में लथपथ इस व्यक्ति को जब उठाकर अस्पताल पहुंचाया, तो स्टाफ ने इसे अंदर दाखिल नहीं किया और बाहर बरामदे में फर्श पर ही पट्टी बांध कर पड़ा रहने दिया। किसी स्थानीय व्यक्ति के फोन करने पर मीडिया और पुलिस के पहुंचने के बाद इस घायल व्यक्ति को फर्श से उठाकर स्ट्रेचर पर लिटाया गया और तकरीबन आधे घंटे बाद इंजेक्शन दिया गया। ऐसी गंभीर स्थिति में भी यशलोक अस्पताल ने इस घायल व्यक्ति को अपने यहाँ भर्ती करने के बजाय जिला अस्पताल भेज दिया। नहीं, वहाँ ले जा रहे सरकारी हॉस्पिटल में। क्या लग रहा है कि ड्रिंक वगैरह के भी मामला है? अभी पता नहीं चल रहा है सर। वोमिटिंग वगैरह की? हाँ, फिलहाल गर्मी भी हो रही है ना, हो सकता है। उपचार क्या किया गया? बड़ी मुश्किल से तो एक होटल लाए वहाँ से। अरे कम से कम ट्रीटमेंट तो दो इसे, लेकिन देने के लिए राजी नहीं हुए। बड़ी मुश्किल से दिया इन्होंने। पुलिस आ गई जब जाके इन्होंने वो करा। ऐसा नहीं करना चाहिए।